दोस्तों, भारतीय कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ चौथे T20 मैच में गजब की फॉर्म दिखाई। हालांकि वो ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन वो जितनी देर क्रीज पे रहे अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाते दिखे। रोहित शर्मा ने इस मैच में 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 16 गेंदों पर बेहद तेज़ी के साथ 33 रन बनाए। वहीं अपनी पारी में लगाए 3 छक्कों की मदद से उन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ चौथे मैच में अपनी पारी के दौरान 3rd छक्का लगाते ही रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में 2nd नंबर पर आ गए और शाहिद अफरीदी को नीचे धकेल दिया। इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में शाहिद अफरीदी 2nd नंबर पर थे, लेकिन अब वो 3rd नंबर पर आ गए हैं। रोहित शर्मा के नाम पर अब 477 छक्के हो गए हैं और वो 2nd नंबर पर आ गए हैं। शाहिद अफरीदी 476 छक्कों के साथ 3rd नंबर पर खिसक गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में 1st नंबर पर क्रिस गेल हैं, जिनके नाम पर कुल 553 छक्के दर्ज हैं। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल लेवल पर अब तक टेस्ट, वनडे और T20 मिलाकर कुल 410 मैच खेले हैं और इनकी 427 पारियों में उन्होंने 477 छक्के लगाए हैं। साथ ही उन्होंने अपने 16,000 रन भी इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे कर लिए हैं। रोहित शर्मा के नाम पर कुल 41 शतक अब तक दर्ज हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।